सब कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं और आज हमारा प्रदेश और पूरा देश बेहाल है। मैं विशेष रूप से मेरे किसान भाइयों से इस अवसर पर एक विनम्र आग्रह करना चाहता हूं। मुझे पता है कि आज हम लोग गेहूं की कटाई सर पर आ चुकी है, तमाम फसल खेत में खड़ी है और हमें उसे घर ले जाने के लिए बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे प्रदेशों से आने वाले हार्वेस्टर हमारे प्रदेश में नहीं आ पा रहे हैं। मैंने अपनी ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक विशेष चिट्ठी लिखी है जिसमें मैंने कहा है कि गेहूं कटाई के लिए विशेष प्रबंधन प्रदेश की सरकार को करना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारा गेहूं की फसल, चने की फसल घर पर आ चुकी है, उसको मंडी में बेचने की विशेष व्यवस्था प्रदेश की सरकार को करनी चाहिए। साथ ही साथ बड़ी तादाद में अन्य प्रदेशों से और देश भर के अन्य हिस्सों से हमारे मजदूर भाइयों ने पलायन किया है और वो अपने घरों की ओर जा रहे हैं और पहुंच चुके हैं। बेरोजगारी एक अहम मुद्दा विशेष रूप से हमारे मजदूर भाइयों के लिए आगामी दिनों में रहेगी। मैंने प्रदेश की सरकार से और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी ने भी प्रधानमंत्री जी को विशेष आग्रह किया है कि जो मनरेगा के हमारे मजदूर भाई हैं उनके लिए विशेष मजदूरी का प्रावधान, विशेष प्रबंधन केंद्र की प्रदेश की सरकार को करनी चाहिए। मैं समझ रहा हूं कि आप सब, हम सब अभी संकट की घड़ी में हैं। मैं भगवान राम से और ईश्वर से हम सब प्रार्थना करते हैं कि आप सुरक्षित रहें, घर में रहें, स्वस्थ रहें और परिवार की देखभाल करें।